मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 22 नवंबर 2020 का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। आज के दिन आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या बदलाव होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में। मित्रों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई भी वादा करना चाहते हैं, कोई प्रॉमिस करना चाहते हैं, तो वादा करने से पहले आपको ये पता करना होगा कि आप जो वादा करने वाले हैं, क्या उस वादे को पूरा करने में आप सक्षम हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप वादा करें, अन्यथा वादा करने से आपको बचना होगा। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने घर परिवार में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो परिवर्तन करने से पहले अपने घर वालों से आपको वार्तालाप करना होगा। क्योंकि आने वाले समय के दौरान अगर आप अपने घर वालों से वार्तालाप नहीं करते हैं, तो आपके घर का माहौल, आपके घर का वातावरण बहुत ज़्यादा खराब होगा। इस बात को आप याद रखें। वैसे अगर आपके धन संपत्ति की बात करें, तो पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य तौर पे बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आप कहीं भी धन संपत्ति का निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार है। आने वाले समय के दौरान इस निवेश के कारण आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा होंगे। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। मित्रों, आने वाले समय के दौरान आपके लिए भाग्यशाली रंग है भूरा और सलेटी। आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 7, यानी कि 7। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अपने समय को बेहतर और शानदार बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा सामान्य टोटका है, उस टोटके को आपको आजमाना होगा। आपको करना क्या है कि आने वाले समय के दौरान तामसिक वस्तुओं का आपको त्याग करना है। तो यही था आज के दिन का राशिफल। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।